हेलो फ्रेंड्स, आई एम मशीद। वेलकम टू टेक्निकल एस्पिरेंट्स। तो जैसे आप जानते हैं कि अक्टूबर का महीना ख़त्म तो हो चुका है 2019 का। तो अभी टाइम आ गया है थोड़ा पीछे झांक के देखने का कि इस महीने का जो है हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके क्या क्या रह गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, करंट अफेयर्स हिंदी सेशन अक्टूबर 2019 एट ए ग्लैंस। तो सबसे पहले हमारा जो है, देखिए किलाड़ी सिविलाइजेशन। देखिए ये किलाड़ी जो है नाम थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। इसमें कहीं कहीं किलाड़ी बोला जाता है, कहीं कहीं किजाड़ी बोला जाता है। लेकिन देखिए ऑफिशियली जो है ये स्पेलिंग डिक्लेयर किया हुआ है किलाड़ी सिविलाइजेशन, तो मैं भी इसको किलाड़ी सिविलाइजेशन ही बोलूँगा। तो ये जो किलाड़ी सिविलाइजेशन है ये एक्चुअली क्या है, देखिए इसमें ये जो एक्सकेवेशन चालू हुआ था कुछ साल पहले। देखिए ये जो वैगई नदी है हमारा तमिलनाडु में जो वैगई नदी है, ये वैगई नदी के किनारे ये किलाड़ी नाम का एक जगह है, वहीं पे ये जो है एक्सकेवेशन शुरू हुआ था। और वहाँ पे जो सारे चीज़ मिले थे, वो सारे चीज़ का जो मतलब जो उनका पॉटरीज या तो फिर ब्रिक्सेस या तो फिर जो स्कल्पचर्स मिले थे, इनको जब कार्बन डेटिंग किया गया तब पता चला कि ये जो सिविलाइजेशन है ये लगभग 600 BC का है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही एक पुराना सिविलाइजेशन था। और सबसे बड़ा जो चीज़ है, देखिए सिमिलरिटीज़ अगर देखा जाए तो सिंधु सिविलाइजेशन तो था हमारा, ये सिंधु सिविलाइजेशन के साथ बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता सिविलाइजेशन है। और देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिला है अभी तक एक्सकेवेशन के दौरान, बर्न ब्रिक्सेस, ड्रेनेजेस, पॉटरीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज। देखिए सब अगर हम बात करें बर्न ब्रिक्स की, देखिए जो बर्न ब्रिक्स थे ये जो ब्रिक्स मिले हैं अभी तक, ये सारे ब्रिक्स एक एक जो है सब एक साइज का है। मतलब अगर आप हम सोच सकते हैं कि वो लोग अपना जो आर्किटेक्चर्स थे या तो फिर कंस्ट्रक्शंस थे इसके बारे में उनको बहुत ही अच्छा नॉलेज था। और सेकेंडली जो है ड्रेनेजेस, अगर देखा जाए तो उनका जो शहर थे उसमें ड्रेनेजेस या तो फिर हर एक घर में जो है ड्रेनेजेस की बहुत अच्छी यूज़ कर रहे थे। और पॉटरीज, देखिए यहाँ पे मिट्टी की पॉटरीज में बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे चीज़ मैं आपको फोटोज़ में दिखाऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ यहाँ पे मिले थे। और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ के अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेव्स की मतलब जो कॉटन इंडस्ट्रीज़, उसमें जो धागा के इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो लोग यूज़ करते थे, मतलब उनका वो इंडस्ट्रीज़ थे। और साथ ही साथ अगर हम मेटलिक इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो देखिए जैसे कि आयरन, ब्रोंज, ये सारे चीज़ का इनका इंडस्ट्रीज़ थे, मतलब ये वो लोग यूज़ करते थे। और साथ ही साथ देखा जाए तो देखिए इनका जो सिविलाइजेशन था या यहाँ पे एक्सकेवेशन के दौरान बहुत सारा रोमन्स जो कॉइन्स हैं ये सारे चीज़ मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि जो इनका जो सिविलाइजेशन था ये रोमन्स के साथ ट्रेड करते थे, मतलब जो ट्रेड था इनका रोमन्स के साथ बहुत अच्छा ट्रेड था। और इनका जो है एग्रीकल्चरल और कैटल फार्मिंग, ये दोनों चीज़ में भी इनका बहुत अच्छा महारत था। तो इससे जाना जाता है कि जो किलड़ी सिविलाइजेशन है ये बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा सिविलाइजेशन है। और साथ ही साथ देखिए इसका जो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हमारा जो तमिल ब्राह्मी लैंग्वेज है इसके साथ इसका बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। और वो माना जाता है कि जो तमिल सिविलाइजेशन है, खासकर ब्राह्मण सिविलाइजेशन, वो ये किलाड़ी सिविलाइजेशन से ही आया हुआ है। तो ये सब सारे चीज़ थे। और साथ ही साथ देखिए जो तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने ये किलाड़ी सिविलाइजेशन के ऊपर एक म्यूज़ियम बनाने के लिए उन्होंने बताया भी है। तो ये था किलाड़ी सिविलाइजेशन। और ये देखिए अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो ब्रिक्स, ये देखिए यहाँ पे ब्रिक्स का कैसे यूज़ हुआ है, ड्रेनेजेस कैसे थे, और साथ में देखिए यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा पॉटरीज, ठीक है, यहाँ पे आपको पॉटरीज भी दिखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अगर आप गांधी सोलर पार्क की बात करें तो गांधी सोलर पार्क, देखिए हम सबको पता है 2019 जो है ये हमारा फादर ऑफ नेशंस मतलब महात्मा गांधी जो जो गांधी बापू है उनका 150वीं जन्म दिवस था। तो इस दौरान इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी
जो कि अभी देखिए यूनाइटेड नेशंस को एक गांधी सोलर पार्क का गिफ्ट किया है। देखिए हालांकि जो है इंडिया अभी नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्स है इसमें यूएन को लीड कर रहा है, तो इसमें ऐसा चीज़ और वो भी फादर ऑफ नेशन की 150वीं जन्मदिवस में गिफ्ट करना एक बहुत ही अच्छा सोच था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और साथ ही साथ देखिए इसमें जो है टोटल 193 पैनल्स लगे हुए हैं, और ये 193 पैनल्स सिम्बलाइज करता है 193 मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और साथ ही साथ देखिए यूनाइटेड नेशंस ने इस दौरान 2.75 डॉलर का एक सेरिमोनियल कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि ये आपको मार्केट में उतना ज़्यादा ऐसा दिखेंगे नहीं क्योंकि ये सेरिमोनियल कॉइन है। और साथ ही साथ देखिए अगर आपको फ़ोटोज़ में दिखाऊं, देखिए ये सारे फ़ोटोज़ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है उस फ़ोटोज़ के तरीके से सारी चीज़ को कैप्चर करके रखता है, तो हमको अगर फ़ोटोज़ दिखेंगे तो हमारा एग्ज़ाम के टाइम पे ये सारी चीज़ अच्छे से याद रह जाएंगे। तो देखिए ये जो नरेंद्र मोदी जी जो है ये सोलर पैनल्स का रिमोट ओपनिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ देखिए ये जो पैनल्स है ये है हमारा गांधी सोलर पार्क का पैनल्स। नेक्स्ट चलते हैं हमारा वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। देखिए डिजिटल इंडिया स्कीम्स का जो था इसके दौरान हमारा जो वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया ने 4 स्पॉट का जंप मिला इस बार, और टोटल अभी इंडिया का जो पोजीशन है वो है 44th पोजीशन। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है फर्स्ट में है यूएसए, सेकंड में आपको देखने को मिल जाएगा सिंगापुर, और थर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा स्वीडन। और नेक्स्ट देखिए ये जो गाड़ी आपको दिख रहे हैं ये गाड़ी हम सबको पता है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और इसी को अभी जो है आईआईटी दिल्ली जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली इन्होंने क्या किया है अभी इस व्हीकल को ड्राइवरलेसली चलाने का एक प्रोसेस चालू किए हैं, जिसमें देखिए क्या होगा जो आईआईटी दिल्ली का विजिटर पार्किंग है वहाँ से लेके एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग तक ये गाड़ी चलेगी। जो कि देखिए अगर ये गाड़ी में कैसा होगा कि अगर आपको कहीं जाना है तो आपको खाली बैठ के उसको कमांड देना है कि आप मुझे यहाँ तक जाना है, तो वो अपना मैप में खुद ब खुद रोड डिसाइड करेगा, और उस रोड के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौरान ये आपको आपके लोकेशंस तक पहुँचा देगा। नेक्स्ट देखिए जो बहुत बहुत सारे देश जो है इंडिया को वीसा फ्री करके रखे, ऐसे ही और भी एक देश इस महीने जुड़ चुका है जो है ब्राज़ील। देखिए ब्राज़ील जो है ये आपको दिख रहा है ये है ब्राज़ील, तो ब्राज़ील जो है अभी हालांकि इंडिया और साथ ही साथ और भी 3 कंट्रीज चाइना रशिया और साउथ अफ्रीका ये जो है ये ब्रिक्स कंट्रीज है, ये ब्रिक जो है BRIC ये हालांकि 2010 तक ब्रिक था, मतलब ब्राज़ील रशिया इंडिया और चाइना, बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया तब से ये ब्रिक्स हो गया। तो ब्राज़ील जो है ये ब्रिक्स कंट्रीज़ को अपना वीसा फ्री करके दिए हैं ताकि ये ब्रिक्स कंट्रीज़ के जो जो भी कोई भी आदमी है कोई भी फॉर विजिटर्स है कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो फ्रीली यहाँ पे मूव कर सकता है ब्राज़ील में, उसके लिए कोई भी वीसा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए हालांकि ये ब्राज़ील ये क्यों किया क्योंकि देखिए ब्राज़ील का फिलहाल जो है इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए टूरिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो है ब्राज़ील गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया है कि ताकि ये सारे देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या तो फिर विजिटर्स जो है वो ब्राज़ील आए और इनका जो है इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट करे। तो ये था इसका एनालिसिस। नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट नेत्रा। अगर आप प्रोजेक्ट नेत्रा के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, जब देखिए हमारा ओडिशा की कोस्टल एरिया से एक मिसाइल लॉन्च किया गया था जो कि एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया था, जो जिसको हम जानते हैं एंटी सैटेलाइट एंटी सैटेलाइट प्रोजेक्ट के नाम से। तो ये जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्टिंग हुआ था इस दौरान क्या हुआ था, कुछ जो हमारा अमेरिका और कुछ और भी देश थे जो इंडिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए थे स्पेस डर्बी को लेके, कि जैसे ही हमने
डिस्ट्रॉय किया हमारा पुराना सैटेलाइट को, तो उसमें क्या हुआ, वो जो सैटेलाइट थे वो छोटे छोटे टुकड़े में बट गए और पूरे स्पेस में घूमते रहे। इसी को हम बोलते हैं स्पेस डर्बी। तो ये स्पेस डर्बी को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। हालांकि चाइना, रशिया और यूएसए इससे पहले एंटी सैटेलाइट मिशंस कर चुके थे, और उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा डर्बीज, स्पेस डर्बीज जो है वहाँ पे क्रिएट किए थे। लेकिन हालांकि छोड़िए वो सब बात, अभी उन्होंने हमारे ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, तो इसरो ने उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उन्होंने क्या किया, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट नेत्रा। और ये प्रोजेक्ट नेत्रा के दौरान इसरो क्या कर रहा है, इंडिया का टोटल 4 स्टेशंस है। एक तो है हमारा, देखिए, सतीश धवन स्पेस स्टेशन। यहाँ पे एक जो कैमरा है उसको अपग्रेड कर रहा है ताकि जो स्पेस डर्बी के ऊपर अच्छे से नज़रदारी कर सके। नेक्स्ट जो है हमारा, देखिए, माउंट आबू में और भी एक कैमरा लगा हुआ है, इसको भी अपग्रेड कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा लद्दाख जो रीजन है, ये लद्दाख रीजन में एक कैमरा इंस्टॉल किया जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है इंडिया का, देखिए, हालांकि अभी तक कौन सा स्टेट और या तो फिर कौन सा लोकेशन वो तो डिसाइड हुआ नहीं है, और हमारे पास अगर डिसाइड हुआ भी है तो पब्लिक नहीं हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, देखिए, नॉर्थ ईस्ट में और भी एक कैमरा इंस्टॉल किया जाएंगे जो कि क्या होगा, स्पेस डर्बी के ऊपर नज़र रखेगा, और अप्रोक्स 4,000 kg ऑफ स्पेस डर्बीज जो है हटाया जाएगा। हालांकि ये 4,000 kg जो है ये टोटल स्पेस डर्बी के लगभग 1% ही होगा, लेकिन फिर भी जो है ये एक कदम आगे चलेगा दुनिया में, ताकि बाकी जो रॉसकॉस्मोस या तो फिर नासा, ये सारे चीज़, या तो फिर जापान या फिर चाइना अगर आगे आए, तो ये 4,000 को 40,000 करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये जो है प्रोजेक्ट नेत्रा, इसरो का प्रोजेक्ट है ये, इसका टारगेट डेट जो है 2023। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, 125 रुपए का कॉइन रिलीज किए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर एन सीतारमन, निर्मला सीतारमन जी जो है, परमहंस योगानंद जी की 125वीं बर्थडे पर ये जो 125 रुपए का सेरिमोनियल कॉइन का रिलीज किए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीन बोनस। देखिए, जो हमारा टोटल 11 हिमालयन स्टेट्स है, इन्होंने जो उत्तराखंड है यहाँ पे आए थे और एक बोनस का डिमांड किए थे जिसको हम बोलते हैं ग्रीन बोनस। देखिए, हालांकि ये क्या है, जैसे कि हम जानते हैं हिमालयन स्टेट्स जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल्स होते हैं, जो कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हमारा एमिशंस होता है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके लिए क्या होता है, उनका जो लैंड होता है वो कम हो जाता है, और हालांकि उनका जो इंडस्ट्रीज हो सकते थे वो नहीं हो पाता है। तो इन्होंने गवर्नमेंट को एक बोनस के लिए डिमांड किया जो कि लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का है। तो ये जो डिमांड है इसको हम बोलते हैं ग्रीन बोनस। ठीक है, ये भी हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल यूनिटी अवार्ड। नेशनल यूनिटी अवार्ड, देखिए, नेशनल यूनिटी डे जो है 31 अक्टूबर, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे था, हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट होम मिनिस्टर, उनके बर्थडे में मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे। और इस दिन पे अभी से क्या होगा, 2019 से 3 पर्सन या तो फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इनको हर साल अवार्ड दिया जाएगा हाईली एक्सपेंशल एक्सेप्शनल काम के लिए, वो होगा सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये है सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड, और इसमें जो है, देखिए, इसका खासियत, इसमें बायमेटलिक होगा, ये जो लोटस का लीफ होगा ये सिल्वर का होगा, और अंदर जो ये लोटस होगा ये गोल्ड का होगा, और हालांकि इसमें कोई कैश प्राइज नहीं होगा, और ये जो दिया जाएगा ये एक सम्मान की ओर से दिया जाएगा, और बहुत ही हाईली एक्सेप्शनल काम के लिए ये दिया जाएगा। तो ये था नेशनल यूनिटी अवार्ड। नेक्स्ट हम देखें तो फॉरेस्ट प्लस 2.0। देखिए, फॉरेस्ट प्लस 2.0 ये USAID जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और MoEF एंड CC इंडिया, इन दोनों देशों का ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों का जॉइंट प्रोग्राम
किए जा रहे हैं जो कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप को मैनेज करने के लिए है। देखिए ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेज क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा फॉरेस्ट होता है उसको कैसे बचाए रखा जाए, या तो फिर उसके ऊपर जो भी हमारा की पॉइंट्स निकल के आता है फॉरेस्ट रिजर्व करने के लिए, वो सारे चीज़ के ऊपर काम किया जाएगा, डेमो किया जाएगा। देखिए ये डेमो जो किया जाएगा, ये किया जाएगा बिहार के गया में, केरला के त्रिवेंद्रम में और तेलंगाना के मेडक में, ये 3 जगह पे ये डेमो किए जाएंगे। तो ये था फॉरेस्ट प्लस्ट 2.0। नेक्स्ट जो है देखिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2019, ये क्या होता है देखिए, रिसेंटली जो IOCL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL में 2 फायर केस हो चुके थे। एक तो मुंबई आप सबको पता ही है, और दूसरा था हल्दिया जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो महाराष्ट्र में जो हुआ था इसमें देखिए 4 आदमी की मौत हो गए थे, उसमें से एक तो सीनियर ऑफिसर भी थे। वो हालांकि वो सीनियर हो या वर्कमैन हो, जिंदगी बहुत कीमती होता है, तो इसके लिए हमारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के ऊपर एक कानून जारी किया, जिसमें इंश्योर किया जाएगा सेफ वर्किंग प्लेस वर्कमैन के लिए। तो ये था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन को 2019। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अर्ड्रिया, देखिए ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस महीने को निकल के आया है। देखिए रिसेंटली जो है अभी और एक कॉन्टिनेंट का आविष्कार किया गया है, मतलब पाया गया है। देखिए रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने मिला है, देखिए आपको ये फोटो में आपको अच्छे से पता चलेगा। देखिए ये है अफ्रीकन प्लेट और ये है यूरेशियन प्लेट, और आज से बिलियंस ऑफ साल पहले ये जो एड्रिया नाम का ये प्लेट आपको दिख रहे हैं, ये अफ्रीकन प्लेट से धीरे धीरे दूर जाता गया और यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ता गया, और लगभग 140 मिलियन 100 मिलियन साल बाद, मतलब 100 मिलियन साल पहले ये जो ग्रेटर एड्रिया है इसके साथ यूरेशियन प्लेट का संघर्ष हुआ, और ये जो ग्रेटर एड्रिया है ये धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के नीचे चला जाता गया। और हालांकि अभी जो है इतना ही जगह सिर्फ इसका समुंदर के ऊपर दिखते हैं और बाकी का पूरा जो है समुंदर के नीचे है। और इसके ऊपर और भी एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये जो यूरेशियन प्लेट का ये जो इलाका है जो खासकर समुंदर के किनारे हैं, एकदम कोस्टल एरियाज है, ये जगह पे आपको बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स दिखेंगे, क्योंकि ये जो ग्रेटर एड्रिया और यूरेशियन प्लेट है ये दोनों प्लेट का टक्कर होने के बाद ये सारे माउंटेन्स का बने हैं ऐसा माउंटेन्स बने हैं ऐसा मानना है साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का। तो ये था एड्रिया द लॉस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में। हालांकि इसके ऊपर और भी बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है और इसको अभी एक कॉन्टिनेंट की तरफ मान लिया गया है। नेक्स्ट देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया का अभी का रैंक जो है 63rd पोजीशन में है इंडिया, और देखिए इस पर इसको जंप बहुत अच्छा मिला है, 14 पॉइंट का जंप मिला है। हालांकि देखिए लास्ट साल इसका 23 पॉइंट का जंप मिला था, लेकिन ये जो 14 पॉइंट का जंप मिला है और इंडिया का पोजीशन अभी 63 है। और अगर आप हालांकि देखें तो 2015-16 में ये था 130, 2017 में था ये 100 पॉइंट में, 2018 में था ये 77 पॉइंट में, और 2019 में देखें तो ये चला गया 63 पॉइंट में। मतलब इंडिया का जो ग्रोथ है बिजनेस के ऊपर अभी हालांकि बहुत ही अच्छा चल रहा है। हालांकि इसमें जो ट्रेड वॉर्स ये सारे चीज़ जो इंडिया चाइना और यूएसए के साथ चल रहा है, ये सब का फ़ायदा उठाते हुए हमको ये सारे चीज़ मिल रहे हैं। और हालांकि देखिए अगर इंडिया ऐसा इम्प्रूव करते रहे तो और भी अच्छा रहेगा, और इंडिया का इम्प्रूवमेंट हम सबको दिख ही रहा है और दिखेगा बहुत जल्दी और भी अच्छे से दिखेगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस जो है रन हो चुका है, ये जो रन करते हैं दिल्ली से लेके कटरा तक, ये कटरा जो है यहाँ पे हम सबको पता है जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर है, तो ये वैष्णो देवी टर्मिनल जो है जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ तक जाता है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये इसका जो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस था ये न्यू दिल्ली से लेके इलाहाबाद होके वाराणसी तक जाता था,
ये था फर्स्ट ट्रेन। और सेकंड ट्रेन जो लास्ट महीने चालू हुआ है अक्टूबर में, वो है दिल्ली से लेके कटरा तक। और इसके ऊपर और थोड़ा बात करें तो देखिए, ये इंजनलेस रेक जो है ये बनाया है ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये चेन्नई में है। और इसका जो यूनिट कॉस्ट है, अगर हम देखें तो एक यूनिट का कॉस्ट आता है लगभग 100 करोड़ का, ठीक है। तो ये था वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर। नेक्स्ट आप देखें तो क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन का एक लिस्ट आया है, जिसमें अगर हम देखें कि टॉप 10 नॉन सब अर्बन अगर देखें तो चला जाता है राजस्थान की तरफ, और अगर टॉप 10 सब अर्बन की तरफ देखा जाए तो वो चला जाता है महाराष्ट्र के मुंबई की तरफ। और अगर हम टॉप 5 का रैंक देखें तो देखिए, नॉन सब अर्बन का अगर हम बात करें, नॉन सब अर्बन में देखिए राजस्थान का जयपुर, उसके बाद जोधपुर, और देखिए ये जो दुर्गापुर है ये दुर्गापुरा राजस्थान का है, ये बंगाल का दुर्गापुर नहीं है। और नेक्स्ट देखिए जम्मू तवी, जम्मू तवी जो अभी हालांकि हमारा नॉर्दर्न पॉइंट है रेलवे का। और नेक्स्ट देखिए गांधीनगर अगेंस्ट, ये गांधीनगर गुजरात का नहीं है, ये गांधीनगर है जयपुर का। तो ये सारे जो है नॉन सब अर्बन स्टेशंस। उसके बाद अगर हम सब अर्बन का बात करें तो देखिए अंधेरी महाराष्ट्र, मुंबई बिहार, मुंबई महाराष्ट्र, नएगांव महाराष्ट्र, कंडीविली ये भी महाराष्ट्र का। और पांचवी में ये जो दिख रहा है सांतरागाछी, ये है वेस्ट बंगाल का हावड़ा में साउथ ईस्टर्न रेलवेज में, तो ये आता है सांतरागाछी। तो ये है क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया का लास्ट महीने का रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कपिल देव जो है इन्होंने BCCI का CAC पोस्ट से रिज़ाइन कर चुके हैं। देखिए इसमें क्या हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस दर्ज हुआ है इनके ऊपर। देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा क्या होता है कि आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया। देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत सारे चीज़ेस होते हैं, आपको अगर इसके ऊपर जानना है तो इसके ऊपर और गूगल कीजिएगा, या तो फिर मैं नेक्स्ट एक वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हालांकि आप ऐसे समझ के रखिए कि इन्होंने रिज़ाइन इसलिए किए हैं, देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के रूल्स के मुताबिक अगर आप कोई सी भी स्पोर्ट्स में, खासकर क्रिकेट में अगर है, तो आपको क्रिकेट रिलेटेड कोई बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन इनका जो है ऑलरेडी एक बिजनेस है, फ्लड लाइट जो ग्राउंड में ग्राउंड लाइट बोला जाता है उसके ऊपर इनका एक बिजनेस है। और साथ ही साथ बोला जाता है कि अगर आप 6 साल किसी पोस्ट में हैं अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड क्रिकेट में, तो आपको फिर आपको 2 साल या 3 साल का एक गैप लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ होता है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, तो इन्होंने इसके लिए इसमें रिज़ाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, देखिए एमिशन ट्रेडिंग स्कीम क्या होता है, ये मेनली पोल्यूशन कंट्रोल के लिए ऊपर होता है। और ये जो हुआ था इंडिया का फर्स्ट जो सूरत में हुआ था, और ये स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। और इसका जो फर्स्ट राउंड हुआ था इसमें 88 इंडस्ट्रीज आए थे, खासकर ये जो इंडस्ट्रीज है जो खासकर CO2 एमिट्स करते हैं, CO2 एमिशन करते हैं, खासकर पावर प्लांट्स और ऐसी इंडस्ट्रीज, तो इसमें भाग ले चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं BPCL। देखिए रिसेंटली मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, तो इसलिए देखिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो गवर्नमेंट का स्टेक है 53.3%, ये 53.3% गवर्नमेंट बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि ये पैसे से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का फंडिंग होगा और इससे इंडिया को और भी आगे जाने का मौका मिलेगा। तो इसमें जो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड का 53.3% जो स्टेक गवर्नमेंट का है वो सेल करने का बात आ चुका है। और जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी इसके ऊपर बात किए हैं। नेक्स्ट देखिए BSNL और MTNL को मर्ज कर दिया गया है। BSNL और MTNL, देखिए BSNL खासकर हालांकि जो है पूरा देश में चलता है, लेकिन MTNL जो है हालांकि कुछ ही शहरों में ये चलता है। और इन दोनों का जो अगर आप शेयर मार्केट में देखें तो इनका जो शेयर का प्राइस है बहुत ही गिर चुका है, तो इनको थोड़ा रिवाइव करने के लिए BSNL और MTNL को साथ में मर्ज किया जा रहा है। तो इसके बारे में ऐसा तो आप लोगों को सब कुछ
सबको पता ही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसके ऊपर नहीं बोलूँगा। लेकिन नेक्स्ट जो है मुंबई मेट्रो फॉरेस्ट इशू, इसके ऊपर बोलना ही पड़ेगा। देखिए, मुंबई हाई कोर्ट एक और बिल इशू किए थे जिसमें अरे फॉरेस्ट जो है, आरे फॉरेस्ट का जो ट्रीज़ है उनको काटने का परमिशन दे दिया गया था। वहाँ पे मुंबई मेट्रो रेल का जो रेक्स है उनका मेंटेनेंस के लिए एक शेड बनाने के लिए, तो जब ऐसा पेड़ काटना चालू हुआ तो यंग स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रोटेस्ट करना चालू किए कि ये जो है संजय गांधी नेशनल पार्क का एरिया है, और संजय गांधी नेशनल पार्क जो है ये मुंबई के अंदर आता है, और ये मुंबई का लंग्स बोला जाता है। तो जैसे ही ये सब हुआ तो तुरंत कोर्ट ने वापस से इसके ऊपर फैसला सुना दिए कि देखिए, ये जो आरे फॉरेस्ट एरिया है ये कैटल फार्मिंग के लिए दिया गया था, और ना कि ये संजय गांधी नेशनल पार्क का हिस्सा है। और इसके बाद रेलवे का प्रोजेक्ट ऐसे ही चलता गया, और बदले में रेलवे जो है संजय गांधी नेशनल पार्क एरिया में बहुत सारा प्लांटेशन कर दिया है, ताकि जो हमारा मुंबई का लंग्स जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हम अगर देखें तो देखिए, बीसीसीआई का जो न्यू प्रेसिडेंट है, आपको फोटो से दिखने दिख ही रहा है, ये जो है दादा जो है सौरभ गांगुली, इसको अभी इस साल का प्रेसिडेंट बनाया गया है, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो सेक्रेटरी है इनका नाम है जय शाह, जो कि हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह जी का बेटा है। और नेक्स्ट अगर आप बात करें कि ट्रेजरर, ये है अनिरुद्ध चौधरी, ये भी हरियाणा का स्पोर्ट्स रिलेटेड एक पर्सन है। नेक्स्ट हम देखें तो ईस्टर्न ब्रिज 5, देखिए ईस्टर्न ब्रिज 5 में ये एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि ओमान और इंडिया के बीच में हुआ था, और ये ओमान के बाजू में जो हमारा इंडियन ओशन, खासकर अरेबियन ओशन है, उस वहाँ पे मसीरा आइलैंड करके एक आइलैंड आता है। इस मसीरा आइलैंड में ये बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा था। ये खास हालांकि इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, इन दोनों के बीच में ये एक एयरफोर्स का ट्रेनिंग था, जिसमें हम देखिए MiG-29 इंडिया ने सबसे पहली बार कहीं बाहर जाके इसके ऊपर एक्सरसाइज किया, और खासकर F-12 और F-20 जो ओमान यूज़ कर रहे थे, और भी अपग्रेडेड फ्लाइट्स यूज़ कर रहे थे, एयरक्राफ्ट्स यूज़ कर रहे थे, ताकि जो देखिए इसमें हमको फ़ायदा क्या हो रहा था, अगर MiG-29 जो है इंडिया के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और अगर हम MiG-29 से इन सारे चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, तो इन सारे अपग्रेडेड जो एयरक्राफ्ट से इनका प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा, और MiG-29 से कैसे इनको पकड़ा जा सके इसके बारे में भी अच्छे से जानकारी मिल सकता था। तो ये जो है ईस्टर्न ब्रिज 5 हुआ है अक्टूबर 17 से लेके 26 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं धर्मा गार्डियन 2019। देखिए धर्मा गार्डियन जो है इंडिया और जापान के बीच में हुआ था, वीरांगे मिजोरम में। तो ये जो है हमारा इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी एंड जापानीज आर्मी, ये मिजोरम की हिली एरियाज और जंगल्स में इसके ऊपर ट्रेनिंग कर रहे थे एंटी टेररिज्म के लिए। और देखिए ये चल रहा है 19 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज शक्ति, ऑपरेशन एक शक्ति के बारे में हम बात करें तो देखिए, ये जो है बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। देखिए इंडिया और फ्रांस के जो है इंडिया आर्मीज इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, जिसका नाम है एक्सरसाइज शक्ति, और ये होगा राजस्थान में। हालांकि इसके ऊपर मुझे पूरा डिटेल अभी तक नहीं मिला है, तो जैसे ही पूरा डिटेल मिल जाता है मैं अलग से इसका एक वीडियो बहुत जल्दी बना के दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर पूरा पूरा डिटेल मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी जो धर्मा गार्डियन और ईस्टर्न ब्रिज 5 है, इसके ऊपर मैं वीडियोज़ बना के रख चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए
फर्स्ट वोमेन टीम स्पेस वॉक, इसमें देखिए क्रिस्टिना कॉच को आप देख सकते हैं और जेसिका मेयर को आप देख सकते हैं। क्रिस्टिना कॉच जो कि सबसे ज़्यादा दिन अंतरिक्ष में रहने का उनके पास क्रेडिट है, और जेसिका मेयर जो ये दोनों साथ में स्पेस वॉक किए थे। पहली बार दुनिया का कोई दो वोमेन जो है स्पेस वॉक किए एक टीम की तरह से, और इन्होंने जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो सोलर पैनल्स है इनका एक बैटरी रिप्लेस किए थे, और इसमें कुछ खराबी आ गया था तो उनका बैटरी रिप्लेस कर दिए थे। नेक्स्ट आप देखिए तो करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट जो वो साइन हो चुका है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। देखिए करतारपुर कॉरिडोर एक्चुअली है क्या, जो दरबार साहिब है जहाँ पे हमारा गुरु नानक जी का लास्ट 8 साल यहाँ पे बीता है, तो ये जगह दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है। तो ये आता है करतारपुर में जो पाकिस्तान में आता है। तो इंडिया का जो पिलग्रिम होता है, जो पिलग्रिम्स है वो दरबार साहिब तक जाने के लिए एक कॉरिडोर बना है इंडिया और पाकिस्तान मिलके, तो इसका साइन हो चुका है, मतलब ये खुल जाने के लिए साइन हो चुका है। और देखिए 9 नवंबर 2019 जो है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है इनके ऊपर इनोग्रेट करेंगे, और इसमें आपको अलग से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको पासपोर्ट से ही आप जा सकते हैं, और बदले में आपको इंडिया को जो है $20 पर पिलग्रिम पर ट्रिप या पाकिस्तान को देना पड़ेगा। हालांकि इसके ऊपर छूट है जो दो दिन, एक 9 नवंबर और एक जो है गुरु नानक जी का बर्थडे जो नेक्स्ट कुछ ही दिन बाद आ रहे हैं, ये दोनों दिन में आपको ये दोनों चीज़ आपको छूट मिलेगा। ये जो है हालांकि 1 नवंबर 2019 को PM इमरान खान जो है इन्होंने ट्वीट करके बताए हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें PM विजिट टू सऊदी अरब, देखिए सऊदी अरबिया में जो है हालांकि इससे पहले टोटल इंडियंस 5 बार जा चुके हैं, 5 प्राइम मिनिस्टर्स एज सऊदी अरब विजिट किए थे। तो इसमें जो है देखिए नरेंद्र मोदी जी अब तक 2016 के बाद 2019 में भी विजिट किए, और 2016 में उनको उनका हाई सिविलियन का सम्मान भी मिल चुका है। और इस बार जो था ये पूरा ट्रेड मीटिंग था, इसमें देखिए एक्चुअली हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए ये जो ट्रेड डेफिसिट है, अगर हम देखें कि सऊदी अरब और इंडिया के बीच में जो ट्रेड होता है वो लगभग 24 बिलियंस का होता है, और उसमें से इंडिया इम्पोर्ट करता है 22 बिलियंस का, और इंडिया एक्सपोर्ट करता है सिर्फ 2 बिलियंस का। तो ये जो ट्रेड डिफिसिट है इसको 2 बिलियन से लगभग 10 से 12 बिलियन तक पहुंचाने के लिए कैसे ट्रेड का जो भी बिजनेस किया जाए उसके ऊपर बात करने के लिए नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब गए थे। और साथ ही साथ देखिए इसमें और भी बहुत सारे चीज़ बात हुआ है, जैसे कि देखिए सऊदी अरब का ऑयल का कंपनी है ये हमारा जो इंडिया साउथ इंडिया है यहाँ पे एक ऑयल रिज़र्व बनाएगा, जो कि देखिए अभी हालांकि इंडिया का ऑयल रिज़र्व सिर्फ 10 डेज का है, उसको बढ़ा के कम 22 से 24 तक करना है, ये इंडिया का टारगेट है, और इसमें हेल्प करेगा सऊदी अरबिया। और साथ ही देखिए टेररिज्म को स्टॉप करने के लिए और एंट्री ड्रग्स और ड्रग्स का स्मगलिंग को रोकने के लिए, ये सारे चीज़ के लिए एक दूसरे को हेल्प करेंगे, इसके ऊपर बात हुआ है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो है देखिए दोनों देशों ने ऐसा बात किया है कि कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा इंटरनल मैटर्स के ऊपर। देखिए इंटरनल मैटर्स के मतलब आप सोच ही सकते हैं, इंटरनल मैटर्स मतलब किसके तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, ये कश्मीर इशू के ऊपर बात किया जा रहा है, खासकर जो पाकिस्तान और चाइना साथ ही साथ मलेशिया भी आजकल बहुत ज़्यादा UN में चढ़ के बात कर रहे हैं, और हालांकि पाकिस्तान तो इसके पीछे ही पड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ को थोड़ा नज़रअंदाज करते हुए ये जो चीज़ बात किए हैं सऊदी अरब और इंडिया के बीच में
तो ये था पीएम विजिट सऊदी अरब का एनालिसिस। नेक्स्ट देखिए यूनिटी डे 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर में देखिए क्या हुआ, क्या क्या था। एक तो बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि यूनिटी डे के हिसाब से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें पीएम हमारा जो पीएम नरेंद्र मोदी जी है, तो पीएम मोदी जी हमारा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है यहाँ पे जाके यूनिटी प्लेस लिए थे। या इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी यूनिटी प्लेस लिए थे। जैसे कि हेल, DRDOs, या तो फिर ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस। और साथ ही साथ देखिए यूनिटी रन्स हमारा जो इंडिया का बहुत सारे स्टेट्स है उनके कैपिटल्स में ये यूनिटी रन्स की ऑर्गेनाइज किए गए थे। और नेक्स्ट सबसे बड़ी न्यूज़ जो है देखिए, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर जो ऑफिशियली यूनियन टेरिटरी घोषित हो गया है 31 अक्टूबर मिडनाइट से, मतलब 31 रात को, रात को ही इसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिए गए हैं और ऑफिशियली भी है। और जो रेडियो कश्मीर था, देखिए कश्मीर में जो रेडियो चैनल थे जो कि उर्दू और हिंदी, कश्मीरी और उर्दू भाषा में चलता चलता है रेडियो कश्मीर, इसको मर्ज कर दिया गया है AIR के साथ, मतलब ऑल इंडिया रेडियो के साथ। हालांकि जो पहले रेडियो कश्मीर था वो अब ऑल इंडिया रेडियो का पार्ट बन चुका है। तो ये सब था अब तक का एनालिसिस और इस महीने का पूरा जो सारे चीज़ हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगा था, वो सारे चीज़ के ऊपर हमने डिस्कस कर दिए हैं। और भी जो सारे चीज़ है, देखिए एक वीडियो में बनाने जाऊँगा तो बहुत ही लंबा बन जा रहा है, इसीलिए और भी जो सारे चीज़ है उसके ऊपर मैं अलग से और एक वीडियो बना दूँगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे वीडियोस बार बार आपको मिल जाए। तो ये सारे चीज़ थे इस वीडियो का एनालिसिस। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।